नमस्ते आदाब। अभी हम बनाते हैं एक बहुत ही मशहूर मारूफ आइटम चपली कबाब। ये पेशावर की बहुत ही फेमस और पॉपुलर आइटम है और सर्दियों में बहुत ही खाई जाती है। इसके लिए फटाफट बनाते हैं। हमने ये आधा किलो जो है बकरे का खीमा लिया है, मैंने मशीन कट नहीं करवाया, हाथों से ही कट करवाया हुआ है। तो उसमें सबसे पहले डालेंगे ये 1.5 से 2 टेबल स्पून जो है ये धनिया, अखा धनिया और जीरा मैंने जो है इस तरह से कूट लिया था कुटनी में, तो ये इसके अंदर डाल देंगे। अगर मेजरमेंट से देखा जाए तो ये 1.5 टेबल स्पून जो है इसमें हम ये ऐड कर रहे हैं। और खीमा को एकदम ड्राई करना है हमें, उसमें से जरा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, पानी नहीं रहना चाहिए। और अब ये डालेंगे जो कुटी हुई लाल हरी मिर्च, वो भी लगभग 1 टेबल स्पून के आसपास जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उतना डालेंगे। और डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और यहाँ पे मैं भी वो भी 1 टेबल स्पून के आसपास जो है नमक ऐड कर रहा हूँ मैं, ये नमक इसके अंदर। और ये कुटी हुई अदरक और लहसुन की जो है ये पेस्ट है, 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लिया है, 1 टेबल स्पून जो है गार्लिक, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1-1 टेबल स्पून जो है हमने ले लिया है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये बारीक कटा हुआ 1 टमाटर जो मैंने बारीक कर लिया था, अब ये इसके अंदर चला जाएगा। और इसमें 1.5 टीस्पून के आसपास ये जीरा पाउडर रहेगा, और 1.5 टीस्पून के आसपास ये धनिया पाउडर है, और अजीनोमोटो वैसे तो ऑप्शनल है अगर डालना चाहे तो ये मैं यहाँ थोड़ा सा अजीनोमोटो भी यूज़ कर लेता हूँ मैं, अजीनोमोटो 1 टीस्पून जो है अजीनोमोटो रहेगा। और ऐड करेंगे इस पे 1 टीस्पून के आसपास ये गरम मसाला, 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया है मैंने गरम मसाला। और अब इनको एक बार मिक्स कर लेते हैं। ये सब मसाला अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मैंने 2 नंग जो है प्याज बारीक काट ली थी, और इसको ये जो है किचन टॉवल में लेके इसका जो पानी है वो भी मैंने एब्जॉर्ब करवा लिया था, तो ये भी अब इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से टिश्यू की मदद से मैंने जो है सारा पानी जो है एब्जॉर्ब करवा लिया था, ये मिक्स कर लेंगे। अब आइए अब इसमें मिलाते हैं ये वाला रिफाइंड ऑयल, 1.5 स्पून ये वाली जो है मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ मैं। और इसमें मिलाएंगे कॉर्न फ्लोर, 1, 2, 3 और 4 ये छोटी वाली चम्मच कॉर्न फ्लोर। और सेम अमाउंट डालेंगे मैदा, 3 ये वाली चम्मच मैदा भी डाल देंगे। और इसके अंदर अब डालेंगे ये जो है हमने 3 अंडे क्रैक कर लिए थे पहले से ही, अब वो इसके अंदर डाल देंगे। बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है इससे। और ये थोड़ा सा जो है इसमें ये लेमन जूस ऐड कर देंगे, ये लेमन जूस इसके अंदर चला गया, वो अब कुछ बचा नहीं है, सारे ही अंदर आ गए हैं। तो एक बार फिर से बहुत अच्छे से इसको हम जो है मिक्स कर लेंगे, बाइंड कर लेंगे। जैसा मैं बना रहा हूँ आप वैसा ही बनाइए, अदरवाइज जो है कबाब जो है फटने का चांस रहेगा। तो मॉइस्चर एक तो चीज़ इसके अंदर है, पहली मॉइस्चर रहना नहीं चाहिए, ये गीला नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज जो है कबाब हमारे बनेंगे नहीं, फट जाएंगे। तो पहले इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और अगर ये हमारा जो है अगर ढीला रह जाता है मिक्सर तो उसमें थोड़ा सा आटा और हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और आटा लगेगा, एक बार पहले अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। कॉर्न स्टार्च जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर देंगे, लगभग फिर से 3 टीस्पून ये वाली जो है मैंने डाल दिया है कॉर्न स्टार्च। चपली कबाब ये किंग ऑफ कबाब है।
तो ये आइए अच्छे से मिक्स करने के बाद, ये थोड़ा सा हमारा मॉइस्चर अभी है इसके अंदर, तो ऊपर से जो है हम ये 2 चम्मच जो है मैदा और ऐड कर देंगे और एक बार अच्छे से चला लेंगे इसको। अगर आपसे भी अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि ये अंडा शायद हमसे थोड़ा सा ज़्यादा एक एक्स्ट्रा हो गया है, यहाँ एक्चुअली आप 2 ही अंडे यूज़ कीजिए, तो 6 चम्मच ये वाली जो है मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है और 5 चम्मच ये वाली मैदा लिया है मैंने, और बिल्कुल अच्छे से हाथों से मसल के मिक्स किया है मैंने। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना ही ये बहुत ही अच्छा बढ़िया और टेस्टी बनेगा। और अब हम ये मिक्सर को लगभग 3 घंटे तक जो है रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए, मसाले एक दूसरे से आपस में मिल जाए और मॉइस्चर भी थोड़ा कम हो जाए। तो ये जो है अभी हम इसको फ्रीजर में रख देंगे 3 घंटे के लिए। आइए, 3 घंटा तक मैरिनेशन के लिए मैंने रखा था, तो अब इसमें ये ग्रीन चिली जो है ऊपर से ऐड कर देंगे। ये 3 मीडियम साइज की जो है ग्रीन चिली मैंने ली है, आप आपकी जो है चॉइस के अनुसार आप ले सकते हैं आपकी मर्जी के अनुसार। और ये जो है ओरिएंडर लीव्स, फ्रेश धनिया पत्ता इसमें डाल देंगे और एक बार मिक्स कर लेंगे। आइए, इस तरह से मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और चपली कबाब को जितना अच्छा मिक्स करेंगे टेस्ट उतना ही बेहतरीन और लाजवाब होगा। और ये बहुत ही टेस्टी आइटम है चपली कबाब, बहुत ही फेमस और पॉपुलर भी है और बहुत टेस्टी मज़ेदार आइटम है चपली कबाब। अभी हम इसको फ्राई करने के लिए तैयार हैं, तो शुरू करते हैं कबाब बनाना। इसके लिए थोड़ा हाथों में इस तरह से पानी लगा लीजिए, अप्लाइंग वाटर इन हैंड। और चपली कबाब जो है थोड़े बड़े हो तो बहुत अच्छे लगते हैं, और कोशिश कीजिए थोड़े से पतले बने, ज़्यादा ना बने। ये देखिए, ये आपके कबाब फटने के भी चांस कम रहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है ठीक उसी तरह से आप बनाएंगे तो ये कबाब आपके फटेंगे नहीं। देखिए, आपको मैंने उल्टी पुल्टी लगा के भी दिखा दिया। तो इस तरह से जो है हमें सारे कबाब बनाने हैं। आइए, नॉनस्टिक तवा जो है मैंने गरम कर लिया है, तो अभी हम इसमें जो है हमारे जो चपली कबाब जो है ना वो रखेंगे। धीरे से एक कबाब इसके अंदर रख देंगे। और सेम जो मैंने आपको मेथड दिखाया है वैसे ही सारे कबाब बना लीजिए। और इसके ऊपर एक टमाटर जो है हमने पहले से रेडी करके रखा था वो भी इसके ऊपर रख देंगे। बहुत संभल के और इतिहास से आपको जो है चपली कबाब बनाने हैं। गैस अभी मैंने बिल्कुल यहाँ पे लो रखा हुआ है ताकि जल्दी जल्दी में क्या होगा कि ऊपर ऊपर से तो ये लाल हो जाएंगे मगर अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए,